we are becoming a part of the session in our training session. You must know that seriously prescribed that each and every teacher of a school must conduct training sessions of at least 25 hours in-house and 25 hours by CBSE. ये करना बहुत अनिवार्य है और इसी सिलसिले में हम सब आज यहाँ पे एक दूसरे सो लेट्स टॉपिक नेक्स्ट इज अ वैल्यू एजुकेशन सो एजुकेशन की बात है एजुकेशन इज नॉट मेरली एक्वायरिंग नॉलेज गैदरिंग एंड कोरिलेटेड फैक्ट्स इट इज टू द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एंड होल केवल शिक्षा होने की जोड़कर कराते हैं शिक्षा वैसे होनी चाहिए So education means self-help, self-improvement, and this is primary source of illumination of various walks of life. So education of values ki baat kar rahi hai. Even right now, in modern society, education continues regarded as most important weapon to change the society. It also regarded as a good source of development of both individual and society. Education plays an important role in socio-economic development as well as physical development of individuals. आज भी education तो उतना ही महत्वपूर्ण था पहले था। But वैसे education की क्या importance जिसमें ethics, जिसमें moral, जिसमें discipline की बात ना हो? So value education is a paramount role in play in creating a society that is tolerant and equal. According to the meaning of value,
स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो, तो वैल्यू है क्या? अगर आप बोलते हैं बहुत वैल्यूएबल, वैल्यू क्या? वैल्यू दैट इज वो दैट इज प्रीशियस, दैट इज वैल्यूएबल, दैट इज अ डियर। वैल्यू किस प्रकार का होता है? वैल्यू स्टैंडर्ड होता है। तो वैल्यू कैन बी डिस्क्राइब एज अ इमोशनल एटीट्यूड, वैल्यू कैन बी बिलीव। सो वैल्यू आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ व्हिच आर कंडक्टिव टू ऑल आवर डेवलपमेंट। Values is something or anything which has killed us, satisfying our needs, whether it is material or non-material. The value that we have acquired there, value का मतलब होता है desirable. अब desirable क्या होता है? जो हमें जरूरी हो, जो हमारे लिए बेहद जरूरी हो. But ये हो सकता है कि इंसान के लिए values दूसरे के लिए value नहीं हो सकता. जैसे मान लीजिए किसान के लिए values क्या हो सकती है? For a farmer, what would be the values? Water, a good environment, water हो सकता है, अच्छी climate हो सकती है। एक student के लिए values चीजें बदल जाती हैं। एक व्यापारी दुकानदार के लिए values अलग हो सकता है। तो values हर इंसान के लिए differ कर सकता है। हो सकता है वो चीज आपके लिए valuable हो, but at the same time किसी और के लिए नहीं। values की बात है। आपसे कितने किसान को वैल्यू मिलती है? सरकार कितने किसान को वैल्यू देती है? नहीं देती। इसीलिए हमारे बच्चे जो है किसान बनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं डॉक्टर और ऑफिसर्स बनना, क्योंकि उनके वैल्यू है। तो वैल्यू हमारे सोसाइटी को सेटअप करता है, बिल्ड करता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से वैल्यू अपनाए, ऐसे वैल्यू डिफर कर सकते। लेकिन क्या है, वैल्यू रेफर टू द डिजायरेबल, वैल्यू डिजायरेबल माना जाता है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट हाउएवर टू डिफाइन व्हाट इज डिजायरेबल। लेकिन ये बिल्कुल डिफिकल्ट है कि कैसे मान लें कि डिजायरेबल है क्या। हो सकता है आपके लिए डिजायरेबल अच्छा हो। अब एक इंसान जिसकी उम्र 15 इयर्स है और एक इंसान जिसकी उम्र 50 इयर्स है, दोनों के लिए डिजायरेबल सेम संभव नहीं है, डिफर कर सकते। एक स्टूडेंट एक टीचर है, दोनों के लिए डिजायर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसीलिए इसमें लिखा भी है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज डिजायरेबल, बिकॉज इट मे चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन एंड प्लेस। समटाइम वी मिस आवर ट्रेन बाय सम सेकंड्स, उस टाइम उस सेकंड का वैल्यू पता चलता है। जब हम एग्जाम में बच्चे फेल हो जाते हैं उसे साल का मुझे पता चलता हुआ नहीं होता। तो वैल्यू डिफर कर सकता है, ये थिंग्स हो सकता है, एक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो आज डिजायरेबल है वो कल ना, लिखा है तो व्हाट इज डिजायरेबल टुडे मे नॉट बी डिजायरेबल टुमारो, व्हाट इज डिजायरेबल हियर मे नॉट बी डिजायरेबल एल्सवेयर। आप रेगिस्तान में वह सबसे बड़ी डिजायरेबल है वह, तो डिजायरेबल और वैल्यूज डिफर करता है विद रेस्पेक्ट टू प्लेस और टाइम। डिजायरेबल और डिजायरेबल ये व्हेन आवर एक्शन प्रमोट द जनरल गुड इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड आइडियल ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटी एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर प्रैक्टिस एंड एक्शन। According to John Dewey, the value means primarily to prize, to esteem, to appraise, to estimate. It means the act of cherishing something. अगर आप किसी को इनकरेज कर रहे हो तो उसके लिए वैल्यू है। आप किसी को प्राइज दे रहे हो वो भी वैल्यू है। आप क्लास में आपने टेस्ट लिया और आपने उस बच्चे को क्या किया? प्राइज दिया। अब क्या हो रहा? वैल्यू तो आपने कुछ को दिया, अब उससे क्या इंकरेज हुआ बात को? एजुकेशन तो हर प्रकार के हैं, बम बनाने से लेकर घर बनाने तक है। अभी डिपेंड करता है कि आपके नजर में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है।
अभी डिक्शनरी का डिक्शनरी कहती है वैल्यू का डेफिनेशन द थिंग इन व्हिच पीपल आर इंटरेस्टेड इज कॉल्ड वैल्यू. वो ऐसे चीज हो जिसमें लोगों की रुचि हो वो वैल्यू है. सही है. जिसमें लोगों की रुचि हो इंटरेस्टेड हो यही वैल्यू है. किसी को लैपटॉप चलाने के इंटरेस्ट और वो उसको बहुत अच्छी तरह चलाता है और उसके लिए वैल्यूबल चीज है. लेकिन किसान को अगर हम दे देंगे लैपटॉप या मोबाइल उसके लिए उसका वैल्यू नहीं करेगा. उसके पास रखा रहेगा लेकिन किसान के लिए वैल्यूबल क्या होगी उसके लिए with an intellect against the reader or the right to a subject to facilitate.
Rajatabhutan has a creation of the biggest philosophies. They are able to guide people along the path of better existence. But in Hindu mythology, there are most many religions. And if religion is not a religion, then some will be the religion. क्योंकि हिंदुत्व में मेरे शरीर का एक सारा स्थान है वेस्टर्न जब आज हम लोग शायद और मैं वेस्टर्न नहीं कर रहा हूँ हम इसको चर्चा नहीं करेंगे इसको पसंद नहीं है तो वैल्यू से बिहेवियर दो तीन डिग्री अंदर ऑर्गेनाइजेशन द बिहेवियर को इंडिविजुअल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट्स द इंडिविजुअल में बदलाव आएगा सोसाइटी में बदलाव आएगा और जब सोसाइटी में बदलाव आएगा तो बड़े स्तर पर आपके देश में बदलाव देखने को मिल सकता है और जहां तक नॉलेज की बात है तो नॉलेज को जैसे ही बच्चा जन्म लेता है नॉलेज देना शुरू करता है क्योंकि बोलना तो ठीक है बचपन से शुरू कर देता है बोलना क्या है साइड वो क्या कर रहा है जीवन लग रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यू बिगिंस एट बर्थ दैट इज प्राइमरी वैल्यू आर लर्न एट होम बट इन ड्यू कोर्स दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस अब वैल्यू में भी टाइम के साथ बदलाव आ सकते हैं आप छोटे बच्चे को घर पे क्या सिखाते हैं भैया दीदी बोले सिखाते हैं जो सिखाते हैं Value differ from generation to generation. Different people may have different values and different culture. Value changes over time within the same society. Values, time के अनुसार उसी समाज में change हो जाते हैं. कोई आपको इसको बताएं क्यों change हो जाते हैं? क्या value एक समाज का एक time के बाद उसी समाज में क्यों change हो जाते हैं? क्या बदलाव होता है? लिखा है कि वैल्यू चेंज इन द सेम सोसाइटी आफ्टर सम सर्टेन टाइम कैसे क्योंकि समाज में सब चीज का एक वैल्यू होता है एक खास समय के और जैसे समय बदलता है उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जाता है तो टाइम के साथ हमारा कल्चर भी बदलता है कल्चर मेन हाँ संस्कार ये कल्चर है तो वैल्यू बदल जाता है पहले जैसे लोग किसी से मिलते थे तो पैक मिलते थे अभी क्या है तुम हाल लोग के खराब हो गए वो भी नहीं हाय हाय वो भी कर रहा है ये तो वो भी कर रहा है तो वैल्यू क्या है किमली अस्टेबल परसिस्टेंस इट इज एक्सेप्टेड दैट इफ अ पर्सन्स बिहेवियर कैन बी प्रेडिक्टेड बाय वैल्यू का डिटरमिनेंस ऑफ एटीट्यूड and behavior of an individual. Value क्या है? Value किसी व्यक्ति का जानना चाहते हैं क्या है? उसके attitude देखते हैं, उसके behavior देखते हैं, और उसके behavior के साथ क्या बनता है? Value बनता है. So value का self imposed rules, political policy that we adopt in order to travel through life with a clear intent. Thus the concept of value may be considered They are prized, precious, worthwhile, estimable, desirable. Value क्या है? Precious, worthwhile, estimable, desirable, dear, valuable, material things, and property, money, goods, appearance, कुछ भी हो सकता है. Appearance का भी जिक्र किया है. Appearance समझ रहे हैं? Look. Personality. Personality. जो इस समय के साथ बदलता है चिल्ड्रन एटल इज मेड बाय क्रिएटर एन एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ आइडिया द ट्रूथ डिजायर जस्टिस ऑनेस्टी ये सब कहीं कहीं वैल्यू से रिलेटेड है क्योंकि आप जी रहे हो खा रहे हो पी रहे हो लेकिन जीवन में वैल्यू का भी एक स्थान है अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगा आप नहीं रहेंगे वैल्यूज मैटर इन आवर्स लाइफ अगर मैटर नहीं कर रहा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी गलत कर सकते
क्योंकि आपके लिए सही गलत मैटर नहीं कर रहा, तो वैल्यूज ना इम्पोर्टेंट हर किसी के लाइफ में। चलिए उसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, 1947 में 1947 जो लिटरेसी रेट थी भारत की वो केवल 74% और आज आई थिंक अप्रोक्स 75%। आज स्कूल लगभग 1.4 बिलियन और इंस्टीट्यूट 36,000। ये शो कर रहा है कि एजुकेशन का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन हमें सोसाइटी में दबदबा एक वैल्यू कायम करने में मदद करती है। पीपल एजुकेटेड फॉर अनएजुकेटेड, लेकिन अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़े मंत्री हो, फिर ऑल आर गुड। अगर आपका लड़का इंजीनियर बन जाता है
बोलते कि तुम सलमान जी का लड़का है दिखे रहा है वो तो बन गया अब फिर जब जो लड़का घर में पड़ोस में तो सुनने वाला तो चार दिन सुनने वाला उसका लड़का बन गया को बाहर टीचर बिठा दिया है। यस सर। ये नंबर के पीछे बहुत ज्यादा
पढ़ा है, किस स्तर पर पढ़ा है, क्या वैल्यू को स्थान दे रहे हैं, केवल बस चैप्टर का जिस प्रकार स्टूडेंट को होता है रेन हार्वेस्टिंग, ये रेन को आप कैसे करते हैं?
वो भी आप उसमें बच्चे यूज करके लाते हैं, बना के लाते हैं। अगर आप इसमें वैल्यू और एजुकेशन की बात करें बोली कोई बोली क्या है by this way we can make them understand for students that how the education is important.